तो आज की क्लास में हम लोग एक्सेस एमएस एक्सेस का जो असाइनमेंट नंबर टू है वो करने जा रहे हैं। असाइनमेंट नंबर टू का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसमें हमको टेबल्स क्रिएट करने हैं और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी फॉरेन की के साथ बनानी है, वेरी रेफरेंस क्रिएट करना है, रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर तीन टेबल बनाने होंगे। पहला टेबल जो है प्रोडक्ट का है, दूसरा टेबल सेल्स लाइन का है और तीसरा टेबल है सेल्स का। सबसे पहले हम टेबल बनाने के लिए एक्सेस ओपन करेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक्सेस ओपन कर देता हूँ और एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। ब्लैंक डेटाबेस मैंने क्रिएट कर लिया है और ये ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट हो गया और हमें तीन टेबल बनाने हैं। टेबल बनाने का प्रोसीजर हमें को पता है, टेबल डिज़ाइन पर भी जाके बना सकते हैं या फिर दूसरा तरीका है कि हम टेबल के थ्रू भी इसको बना सकते हैं। डायरेक्ट बनाना है तो टेबल के थ्रू, तो ये सेकंड टेक्निक भी हम देख लेते हैं टेबल के थ्रू कैसे बनाना होता है। टेबल के थ्रू जब बनाते हैं तो डायरेक्ट ये टेबल जैसा दिखते जाता है और आपको आईडी पे क्लिक करनी है और यहाँ पर जो जो फील्ड्स हमको दिए गए हैं जैसे प्रोडक्ट आईडी, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी आपको ये ध्यान देना है स्पेस बिल्कुल नहीं देना है। प्रोडक्ट आईडी डिस्क्रिप्शन के बाद है आपका कैटेगरी और क्वांटिटी। में दोनों स्क्रीन को एक साथ रख देता हूँ ताकि ये दोनों एक साथ आपको दिखाई दे। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और आपको यहाँ पर ये एक साथ दोनों स्क्रीन दिखाई देगी। तो हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी एंड डिस्क्रिप्शन बना लिए। जैसे क्लिक करेंगे तो आगे यहाँ पर ऐड न्यू फील्ड ऑप्शन आता है। ऐड न्यू फील्ड में हम यहाँ पर ऐड करते जाते हैं कैटेगरी, देन क्वांटिटी, देन कॉस्ट, देन रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस के बाद है प्रोडक्ट नंबर। हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट नंबर, देन सेल्स प्राइस, देन टैक्स का कुछ ऑप्शन है टैक्सेबल, टैक्सेबल। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। डायरेक्ट हम टेबल ऑप्शन के थ्रू टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया है और साथ ही साथ हम इसका डिज़ाइन भी देख सकते हैं। ये टेबल हमारा क्रिएट हो गया। टेबल का नाम हमको देना था यहाँ पर टेबल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नाम हमको देना है। तो यहाँ पर जा करके हम रीनेम कर सकते हैं और इसका नाम टेबल प्रोडक्ट दे सकते हैं। रीनेम करने के लिए आपको पहले टेबल को क्लोज करना होगा और फिर यहाँ पर टेबल प्रोडक्ट का जो नाम है वो हम देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पहला टेबल क्रिएट हो गया है। ऐसे ही हम सेकंड टेबल भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड टेबल का नाम आप देख रहे हैं सेल्स लाइन है, तो सेकंड टेबल चलिए क्रिएट करके देखते हैं। हमको कुछ भी नहीं करना होगा, सिंपल सेकंड टेबल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट में जाएंगे और टेबल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं हम लोग और डायरेक्ट यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्स लाइन आइटम आईडी, दूसरा है इनवॉइस नंबर, तीसरा है दूसरा आपका है इनवॉइस नंबर, तीसरा है हमारा प्रोडक्ट आईडी। अब देख रहे हैं प्रोडक्ट आईडी जो है वो रिपीट हुआ है फर्स्ट टेबल का। प्रोडक्ट नंबर और इसी तरीके से हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। प्रोडक्ट नंबर के बाद है क्वांटिटी, देन हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी कर देते हैं, क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन प्राइस, एंड लास्ट आपको यहाँ देखने मिल रहा होगा डिस्काउंट। तो यहाँ पर डिस्काउंट भी लिख देते हैं। ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया सेकंड वाला। सेकंड वाले जो टेबल है उसका नाम हमको क्या रखना है, यहाँ पर हमारे पास नाम दिया हुआ है टीबीएल सेल्स लाइन आइटम्स।
तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और सेकेंड वाले टेबल का नाम रखा है यूबीएल सेल्स लाइन आइटम। हमारे पास दो टेबल बन गए हैं, टेबल प्रोडक्ट और टेबल सेल्स आइटम। ऐसे ही तीसरा टेबल हमको बनाना है, तो हम फिर से क्रिएट में जाएंगे, टेबल वाला ऑप्शन ले लेते हैं। थर्ड टेबल हम बनाने जा रहे हैं ये वाला, जिसमें है इनवॉइस नंबर। ये भी रिपीट हो रहा है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इनवॉइस नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, इनवॉइस नंबर। इसके बाद है सेकंड सेल्स डेट, इनवॉइस डेट, वायर पेमेंट, और अगला सॉरी पेमेंट मेथड है ये, पेमेंट मेथड, टैक्स लोकेशन एंड टैक्स रेट। तो इस तरीके से हमारा तीनों टेबल क्रिएट हो गया है, और टेबल थर्ड वाले टेबल का नाम जो होगा वो है टीबीएल सेल्स। टीबीएल सेल्स देने के बाद यहाँ पर हमारा तीनों टेबल्स जो है वो क्रिएट हो गया है, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तीनों टेबल्स कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो पूरे टेबल्स को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। टीबीएल प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट टेबल, इसमें ये सारी चीज़ें हैं, सेल्स लाइन और तीसरा है सेल्स, तीनों टेबल जो हमारे क्रिएट हो चुके हैं। हमने दूसरे मेथड का यूज़ किया है टेबल को बनाने के लिए। अब हमको यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए हमको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोडक्ट आईडी जो है वो यहाँ पर भी आ रहा है, प्रोडक्ट आईडी, क्लियर है। और इनवॉइस नंबर जो है वो यहाँ आ रहा है, तो इनवॉइस नंबर से इनके बीच में क्रिएट होगा रिलेशनशिप। ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए पहले हमको प्राइमरी की बनानी होती है। तो प्राइमरी की कैसे बनाते हैं, आपको पता है कि फर्स्ट वाला जो है प्रोडक्ट आईडी वो प्राइमरी की है। अगर नहीं बना है तो यहाँ पर आप प्राइमरी की बना सकते हैं, वैसे ही सेकंड वाले को भी प्राइमरी की बना सकते हैं हम लोग। यहाँ पर ये जो सेल्स आइटम नंबर है वो प्राइमरी की बना हुआ है, आइटम आईडी, और थर्ड वाले में अपना इनवॉइस नंबर प्राइमरी की बना हुआ है, क्लियर है। थर्ड वाले में अपना इनवॉइस नंबर प्राइमरी की दिख रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं। रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हमको डेटाबेस टूल्स, तो रिलेशनशिप आपको क्रिएट करना है तो यहाँ पर डेटाबेस टूल्स का यूज़ करेंगे आप। रिलेशनशिप वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ दिखाई देगा आपको। तीनों टेबल्स को पहले आप ऐड कर लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको रिलेशनशिप अगर क्रिएट करना है, रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हमको प्राइमरी की और फॉरेन की का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं तीनों टेबल में ये प्राइमरी की है, तो जहाँ पर ये चीज़ रिपीट हो रही है आप उसको रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोडक्ट आईडी जो है वो यहाँ से रिलेशन बनेगा, यहाँ प्राइमरी की है, यहाँ फॉरेन की है। कुछ नहीं करना है हमको, यहाँ पर ऐसा इसको ड्रैग करके लाना है और प्रोडक्ट आईडी के ऊपर यहाँ पर रख देना है। यहाँ पर रिलेशनशिप आपका क्रिएट हो जाएगा, यानी कि ये रिलेशनशिप आपका क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट है इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर को हम यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर ऐसा रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट हो जा रहा है। तो दो टेबल के बीच में सेम की से हम रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप हमारा जब क्रिएट होता है उसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर कोई भी एंट्री अगर करते हैं हम, जैसे डिस्क्रिप्शन करेंगे, कैटेगरी करेंगे, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट की कैटेगरी है मतलब, और ये सारी चीज़ों को जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पर हमको ये रिलेशनशिप के साथ एंट्री करनी होती है। तो ये सेकंड वाला जो आपका असाइनमेंट था इसमें हमको रिलेशनशिप क्रिएट करना था प्राइमरी की एंड फॉरेन की के साथ, और साथ ही साथ हमने टेबल को बनाने के लिए एक दूसरा मेथड भी यूज़ किया। तो ये था आपका असाइनमेंट नंबर 2 एक्सेस का।